मां हेलो बोल दो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे आप सभी लोग हैं? होप कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस सबसे पहले मेरा नमस्कार और पहला तो मैं आ गई हूँ फिर से नए ब्लॉग के साथ और नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अभी मॉर्निंग से। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में बना रही हूँ मैं मैक्रोनी जो मैंने यहाँ पे मारने कर रखा है और लगभग मैक्रोनी उमड़ चुकी है और मैं साथ में चाय भी पी रही हूँ और नहाना धोना भी हो गया मेरा सुबह क्योंकि रात में इतनी गर्मी हो रही। तो सुबह एक बार ऐसा मन करता है कि सुबह होते ही नहा लें और रात में मन करता है नहाने को बट नहाया कहाँ जाता है रात में। तो गैस गुंजन नहा रही है, लकू नहा चुका है तो लकू के कपड़े पहनाती हूँ और मैक्रोनी भी उमड़ चुकी है। इसका पानी मतलब इसको थोड़ा धो के इसको अलग कर देती हूँ पानी से। तो गैस नाश्ता बनाती हूँ फिर मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। तो गैस अब मैं बना रही हूँ नाश्ता और पता ही आपको नाश्ते में क्या बन रहा है, मैक्रोनी। तो मैंने चॉपर में हाफ पे प्याज काट लिया है, ये रहा प्याज इतनी बारीकी से कट चुकी है इसमें और धनिया। तो एक बार मैं नाश्ता बना देती हूँ और तेल मैंने डाल दिया जो गर्म हो चुका है और मेरी चाय भी खत्म हुई है लको। तो गैस अभी चाय खत्म नहीं हुई है मेरी, पहले चाय भी खत्म कर देती हूँ। हाँ देते हूँ खाऊंगा। तो गैस मेरी मैक्रोनी बन चुकी है और मैंने इसमें मसाले कम डाल रखे हैं क्योंकि बच्चे हैं खाने वाले तो हर चीज़ें मसाला कम करना पड़ता है। कहा ना मैंने कि अपने जबान को लगाम देना पड़ता है तो बच्चों के। और इसका कलर देखे फिर भी कितना अच्छा लग रहा ये मैक्रोनी। तो गैस हम नाश्ता कर लेते हैं। तो गैस मैक्रोनी बन चुकी है, अब कर लेते हैं एक बार नाश्ता और टाइम हो गया अभी 9 और नाश्ते का टाइम हो रखा है तो नाश्ता कर लेते हैं फिर मिलती आपको मैं थोड़ी देर में। तब तक मेरे ब्लॉग के साथ ऐसे बने रहे और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे देते रहे। तो गैस बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए अभी तक, तो ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। और लोगों को भी कहाँ गया वो छुपन छुपाई सा खेल रहा है बच्चा मेरे साथ। ये आज क्या खा रहे हो? तो गैस कम करते हैं नाश्ता। बैठो लक्कू, बैठो खाना खाओ नाश्ता करो। और इसके बाल हमेशा ऐसे रहेंगे इस लड़की के, इसको मैंने इतना डांट दिया है बालों का ऐसी मत रखा कर फिर भी ये ऐसी बना के रखती है और सरदर्द होता है इसका। बस खा लिया आराम से बैठो। एक बार कैसी बनी है मैक्रोनी? अच्छी बनी है, यम्मी सच्ची। तो गैस मैं मिल रही हूँ अभी सुबह से, मैं सुबह के नाश्ते के टाइम से मैं अभी मिल रही हूँ और ब्लॉग अभी कंटिन्यू कर रही हूँ और बच्चे खाना दिन का खाना खा के सो गए हैं। लकू वहाँ पे सोया है और पसीने से पूरा भीगा है और गुंजन भी लेटी हुई है। तो मैं जा रही हूँ अभी छत में क्योंकि मैंने कंबल धो रखा था तो कंबल को छत में सुखाया था, बाकी कपड़े यहीं पर सुखा रखे थे सामने। तो मैं कपड़े लेके आती हूँ एक बार छत में से और बाहर बहुत धूप है और छत में जाने का मन नहीं कर रहा, बाकी कपड़े यहाँ पे हैं और कंबल ही कंबल है छत में तो मैं एक बार कंबल लेके आती हूँ। तो गैस धूप देखे आँख नहीं खुल रही, धूप को देखे ऐसे बंद हो रहे आँख। तो मैं जा रही हूँ छत में। तो गैस देखे इतनी कड़क धूप है और जब धूप जाएगी तब भी जाके थोड़ी राहत मिलती है। और देखते हैं कि कंबल सूख रखा है नहीं सूख रखा है, बाग वाला कंबल बच्चे कहते हैं इसको क्योंकि थोड़ा सा इतनी धूप है कंबल भी आधे घंटे में सूख गया, बस थोड़ा सा किनारा बचा है। तो मैं इसको पलट देती हूँ तो थोड़ी देर में ले जाऊँगी। तो गैस कंबल भी पलटा दिया है मैंने और गर्म इतना हो रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी हवा चल रही है लेकिन उमस बहुत हो रही है हवा के साथ साथ भी। तो गैस बहुत गर्मी हल्द्वानी में, जो यहाँ रहता है उसको पता है बट कपकोट में भी होती थी बट इतनी गर्मी नहीं होती थी, साथ में बारिश भी हो जाती है, ठंडे का एहसास तो हो ही जाता था बारिश में। और हम घर से आ रखे हैं गांव से तो हमको ज़्यादा ही लग रहा गर्म। अब चलती हूँ मैं अंदर और बच्चों को देखती हूँ, कंबल को थोड़ी देर में लेने के लिए आऊँगी अभी सूखानी है। तो गैस फिलहाल जाती हूँ अंदर और धूप देखिए काली धूप है यहाँ बिल्कुल कोहरा वाली।
और इतनी में ऐसे बॉडी चल जाती हूँ। सारे कपड़े मैंने धो के यहाँ रखे थे जो सूखे हैं, इनको उठा लेती हूँ मैं एक बार, साथ में ले जाती हूँ अंदर। कपड़े उठा लिए और बच्चे मेरे सो गए हैं शायद, लोग तो उठ भी गए सुबह से पसीना। हाँ कितने अंधे, अंदर कितना अंधेरा लग रहा है बाहर के मुताबिक। देखिए बच्चों के हाल ये हैं, देखिए पसीने से पूरा भीग रखा है मेरा बटुआ, ये देखिए चमक रहे पसीने। अगो गलम वाला टी शर्ट खोल दो, इतना गर्म हो रहा, टी शर्ट खोल दो, ये कमीज खोल दो बाबू, ये देखो तो पूरा भीग रखा है, ये खोल दे गर्म हो रहा है, खोल दो इनको, खोल दे बेटा। तो गैस देखे, इतनी छत में गई थी मैं थोड़ा सा कंबल पटाने के लिए और हाल ये है पूरी बॉडी भीग गई है और पीछे से भी आग से पूरा पसीना पसीना हो गया और लास्ट में बस था ऑप्शन पानी का। तो दिन में कितने बोतल पानी पी लेते हैं पता नहीं चलता है, और गांव में तो इतना अच्छा हो रहा था क्योंकि ना और ठंडा होता था ना। अच्छा बताओ दोस्तों, हाँ इतना ठंडा हो रहा था, हमारा पहाड़ हमारा पहाड़ है सच में। फाइनली हम आ चुके हैं ज्योति के वहाँ पर, ज्योति है नहीं यहाँ, वो चलेगी दिल्ली, और यहाँ पे रहे भाभी जो बर्तन धो रहे हैं। अभी मैं पहुँच गई थी यहाँ, 15-20 मिनट हो गए मुझे आए हुए, अभी मिला रही हूँ मैं आपको भाभी से, और यहाँ पे चाय उबालने के रखी है। तो गैस थोड़ा सा बैठते हैं भाभी लोग के साथ, फिर मिलते हैं आपको। ये रहे लघु और भाग्यश्री, जयश्री और गुंजन का है। तो गैस ये रही ज्योति, ज्योति की बुढ़ सास अम्मा। तो गैस अब जा रहे हैं हम यहाँ से, और ये है अम्मा जी। हेलो बोलो तो अम्मा, हेलो बोल दो, हेलो। तो गैस देखिए इन दोनों को अच्छा साथ मिला है, ये रही जयश्री, हेलो हेलो कर दो जयश्री। तुम क्या तोड़ के लेके आ रहे हो ये फ्लावर, क्या करोगे इनका, देखो इसके पास ही फ्लावर और जयश्री के पास ही फ्लावर, क्या करोगे इसे, फूलों की बारिश। और अम्मा यहाँ पे काम करने लगे, लोग कुछ आज चप्पल पहन के लेके आओ। तो यहाँ तो बच्चे भी हैं आसपास खेलने के लिए, तो चलते हैं हम लोग भी। गैस देखिए बच्चों को साथ मिला हुआ है यहाँ पे, तो खेल रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर यहाँ से, लकू फ्लावर नहीं तोड़ते, चलो बाय। हाँ प्रणाम, ठीक है बाय बाय भाग्यश्री, बाय बोलो बाय, जाओ मम्मा बुला रही घर पे जाओ। तो हम चलते हैं, कौन तो गैस देखिए बच्चे सब खेल रहे हैं, और यहाँ अच्छा है बच्चों खेलने का, और हमारे वहाँ तो कोई बच्चे भी नहीं है, तो लकु गुनो ये अकेले हो जाते हैं वहाँ। तो गैस हम जा रहे हैं वापस रूम में, और अच्छा लगता है यहाँ आके ज्योति लोग के वहाँ आके। तो गुनो को कैसा लगता है यहाँ आके, गुंजन को साथ मिल जाता है ना कि खेलने के लिए, और लकु को हाँ। अच्छा लगता है। तो गैस अब जाते हैं हम रूम पे, और ब्लॉगिंग के एंडिंग पे रास्ते पे ही करते हैं। अगर आज की ब्लॉग पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय 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 बाय, जय भूमि, जय जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।